नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। कायफल की छाल, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कंधे की जकड़न, गर्दन का दर्द और मिर्गी खत्म करने वाली संजीवनी बूटी है। इसके 20 अद्भुत फायदे हैरान कर देंगे आपको। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे चमत्कारी पौधे की छाल के बारे में बताएंगे जिसे कायफल कहते हैं। औषधियों के लिए लाल कायफल अधिक उपयोगी होता है। इस पेड़ की छाल को ही कायफल कहते हैं और यह ही औषधियों के रूप में प्रयोग की जाती है। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और साइटिका, कायफल का रस स्वाद में कड़वा, तीखा व कसेला होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है। इसका फल पकने के बाद कड़वा हो जाता है। कायफल वात व कफ से उत्पन्न रोगों को शांत करता है और वात के कारण उत्पन्न दर्द को खत्म करता है। इसका उपयोग सिर दर्द, दर्द, सर्दी, जुखाम, बेहोशी एवं मिर्गी आदि के लिए किया जाता है। यह सांस रोग व खांसी रोग में भी बहुत अधिक फायदेमंद है। यह गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और साइटिका के दर्द को मिटाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कायफल के 20 अद्भुत फायदे। साइटिका, जोड़ों के दर्द, गठिया, घुटनों के दर्द, कंधे के जकड़न, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, कमर दर्द आदि के लिए ये तेल अद्भुत रिजल्ट देता है। कायफल का तेल दर्द भगाई चुटकी में एक बार आप इस तेल को जरूर अपनाएं। ये चिकित्सा आयुर्वेद विशेषज्ञ श्री श्याम सुंदर जी ने अपनी पुस्तक रसायन सार में लिखी है। इस तेल को पिछले 5 सालों से मैं भी बना रहा हूं और प्रयोग कर रहा हूं। दोस्तों आप यकीन मानिए, यह तेल कोई भी तेल जैसे महाराणा तेल, आयोडेक्स, मूव, वॉलनी आदि इसके समान प्रभावशाली नहीं है जितना तेल यह असर दिखाता है दर्द के लिए। तो दोस्तों आप इसको एक बार बना के जरूर प्रयोग करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस तेल को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। कायफल 250 ग्राम, तेल सरसों का या तिल का लेना है आपको 500 ग्राम, दालचीनी लेनी है 25 ग्राम और कपूर लेनी है 5 टिकिया। अब जानते हैं इस तेल को बनाने की विधि। कायफल यह एक पेड़ की छाल है जो देखने में गहरे लाल रंग की खुरदरी लगभग 2 इंच के टुकड़ों में मिलती हैं। ये सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचने वालों की दुकानों से आपको आसानी से मिल जाएगी। कायफल के नाम से आप इसे लेकर कूट कर बारीक पीस लेना है। जितना महीन बारीक आप इसको पीसोगे उतना ही यह अधिक गुणकारी होगी और उतने ही अधिक रिजल्ट देगी। अब जानते हैं कायफल का तेल बनाने की विधि। आप एक लोहे, पीतल या एल्युमिनियम की कढ़ाई में तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तब थोड़ा थोड़ा करके कायफल का चूर्ण डालते जाएं। आग धीमी ही रखें, फिर इसमें दालचीनी का पाउडर डालें। जब सारा चूर्ण खत्म हो जाए तब कढ़ाई के नीचे से आग बंद कर दें। एक कपड़े से तेल छान लें, तेल ठंडा हो जाए तब कपड़े को निचोड़ लें। यह तेल हल्का गर्म कर फिर इसमें 5 कपूर की टिकिया मिला दें। तेल से अच्छे से कपूर मिक्स हो जाए इसलिए आपका पाउडर बनाकर डालें, जो कपूर है उसको भी पाउडर बनाकर ही डालें। इस तेल को एक बोतल में भरकर रख लें। कुछ दिन इस तेल को उस शीशी में भरकर रखें। कुछ दिन के बाद लाल रंग नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद उसको दूसरी शीशी में डालें। अब जानते हैं इसके प्रयोग की विधि। अधिक गुणकारी बनाने के लिए इस साफ तेल में 25 ग्राम दालचीनी का मोटा चून डालें। जो कायफल का चून तेल छानने के बाद बच जाए उसी को हल्का गर्म करके उसी से सेकें। उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, आप उसको हर रोज यूज करें। जहां पर भी दर्द हो इसे हल्का गर्म करके धीरे धीरे मालिश करें। मालिश करते समय हाथ का दबाव कम रखें, उसके बाद सेक जरूर करें। बिना सेक के लाभ कम होता है। मालिश करने से पहले पानी पी लें। मालिश और सेक के 2 घंटे बाद तक ठंडा पानी न पिएं।
अब जानते हैं काईफल का दूसरा फायदा। आग से जल जाने पर, शरीर जल जाने पर काईफल के पेड़ की छाल का रस निकालकर लेप करने से जलन दूर होती है और छाले नहीं पड़ते। मिर्गी, काईफल, नकछिकनी, कटेरी के सूखे फल लगभग 6-6 ग्राम की मात्रा में और 40 ग्राम तंबाकू को बारीक पीसकर 2 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन मिर्गी के रोगी को सूंघाने से मिर्गी के दौरे दूर होते हैं। काईफल को पानी के साथ घिसकर मिर्गी के रोग से पीड़ित रोगी को पिलाएं, इससे मिर्गी का रोग ठीक हो जाता है। काईफल, तिल का तेल और करछवा को मिलाकर उन्माद के रोगी की नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। मधुमेह रोग, यदि मधुमेह के रोगी की शरीर से अधिक पसीना आता है तो उसे काईफल का चूर्ण शरीर पर लगाना चाहिए, इससे पसीना आना कम हो जाता है। पागलपन, काईफल, तिल का तेल और करजवा को मिलाकर उन्माद के रोगी की नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। एड़ियों का फटना, काईफल को पीसकर लेप करने से फटी हुई एड़ियां भी ठीक हो जाती हैं। दांतों के रोग, काईफल के पेड़ की छाल का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन कुल्ला करने से दांतों का दर्द ठीक होता है, इससे दांत मजबूत होते हैं। सर्दी लगना, काईफल का बारीक चूर्ण छाती, पेट व हाथों पैरों पर मलने से शरीर में गर्मी बढ़कर ठंड दूर होती है। कान का दर्द, काईफल को तेल में पकाकर तेल को कान में 1 से 2 बूंद डालने से दर्द ठीक हो जाता है। बुखार, काईफल का 1 ग्राम चूर्ण रोगी को बुखार आने से पहले पानी के साथ खिलाने से बुखार नहीं आता। पायरिया, सिरके में काईफल घिसकर मसूड़ों पर लगातार 5-5 मिनट तक 2 दिन में 2 बार मलने से दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं तथा यह रोग ठीक हो जाता है। कान का बहना, काईफल को तेल में पकाकर कुछ बूंदे दिन में 3 से 4 बार कान में डालने से कान का बहना ठीक हो जाता है। तेल डालने से पहले कान को रुई से अच्छी तरह से साफ कर लें। हिचकी का रोग, काईफल, हर्ड, बच, धनिया, रोहिस, बारंगी, नागरमोथा, काकड़सिंगी, पित पापड़ा, सौंठ व देवदारू 1-1 ग्राम की मात्रा में लेकर 8 गुना पानी में पकाएं और पानी 1/4 शेष रहने पर छानकर रोगी को पिलाएं, इससे हर प्रकार की हिचकी से राहत मिलती है। दमा और श्वास रोग, काईफल के पेड़ की छाल के रस में चीनी मिलाकर रोगी को पीना चाहिए, इससे श्वास व दमा रोग नष्ट हो जाता है। बवासीर, काईफल के महीन चूर्ण में हींग, कपूर और घी मिलाकर लेप बना लें और यह लेप बवासीर के मसों पर लगाएं, इससे मसे सूखकर झड़ जाते हैं और बवासीर रोग ठीक हो जाता है। जुखाम, नजला या नया जुकाम, काईफल को नाक से सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। काईफल का बारीक चूर्ण रूमाल में लपेटकर बार बार सूंघने से छींकें आती हैं और सिर हल्का होता है। काईफल और सौंठ को मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से जुकाम रोग ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी काईफल का प्रयोग कर इससे होने वाले फायदों को उठा सकते हैं और निरोगी जीवन जी सकते हैं। और किसी भी दर्द के लिए तो यह एक रामबाण तेल की तरह काम करता है, जैसे गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और साइट का। आप जो भी पेन किलर लेते हैं या पेन किलर तेल लगाते हैं उससे अधिक तेजी से ये तेल काम करता है। आप काईफल का तेल वहाँ पर ज़रूर प्रयोग करें। दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।